नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, हम करेंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, कंटिन्यू इन वीडियोज़ को देखते रहें, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसका रिवीजन करते रहें दोस्तों वहाँ से, और नोट्स भी अपने पढ़ते रहें। ये ना रहें कि एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्तों, देरी से होगा, एग्ज़ाम होगा दोस्तों आपका, ज़रूर होगा। तो आप बस अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द स्टडीड इन स्पर्मोलॉजी, सीड्स, लीफ, फ्रूट, पोलेन। दोस्तों, अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, हिंदी में देख लें, बीज, पत्ती, फल, परागण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बीज। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सीड्स दोस्तों इसका सही आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तेल, बीजों का, फसलों का, घासों का, फलों का। तो दोस्तों, अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इंग्लिश में देखते हैं, व्हाट इज स्टडी इन एग्रोस्ट्रोलॉजी, ऑयल सीड्स, क्रॉप, ग्रास, फ्रूट्स। दोस्तों, बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रास। क्या हो जाएगा, ग्रास। तो चलते हैं हम, ग्रास यानी कि घास दोस्तों। तो इंग्लिश में, हिंदी में देखते हैं दोस्तों, फीडोलॉजी यानी कि पेडोलॉजी। क्या लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, ये पेडोलॉजी है, में अध्ययन किया जाता है पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का, चट्टानों का। दोस्तों, इंग्लिश में देखते हैं, स्टडी इन द पेडोलॉजी। दोस्तों, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, प्लांट डिसीज, ऑफलैंड पॉल्यूशन ऑफ रॉक। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेड़। दोस्तों, कहाँ पर लगेंगे, ज़मीन पर। इसमें पेड़ आ रहा है ना, पेड़ो, तो कहाँ पर, ज़मीन पर, यानी कि ऑफलैंड। किसका दोस्तों होगा, भूमि का अध्ययन। किसका होगा, पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों इसका सही, यहाँ पर देखते हैं, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं, भू वनस्पति विज्ञान, सेरिकल्चर, आनुवंशिकी, उदिकास। दोस्तों, अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जियोबॉटनी, सेरिकल्चर, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन। दोस्तों, बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जेनेटिक। क्या हो जाएगा दोस्तों, जेनेटिक, आनुवंशिकी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, द साइंस डेट गिव्स नेम्स टू प्लांट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी। दोस्तों, बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा टैक्सोनॉमी। क्या हो जाएगा दोस्तों, टैक्सोनॉमी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्गी की दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। जो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, वर्गी की, टैक्सोनॉमी। तो अब दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, फलों का अध्ययन कहलाता है, स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी, पोमोलॉजी। दोस्तों, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये अब हम यहाँ पर देखते हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पेडोलॉजी, पोमोलॉजी। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपको कैसे याद करना है, ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पोमोलॉजी। तो पोमेग्रेनेट दोस्तों होता है, अनार को बोलते हैं दोस्तों, तो इसी तरीके से आप पोमो यानी कि फ्रूट से संबंधित है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, परागरणों यानी पोलन ग्रेन्स का अध्ययन कहलाता है, पोमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश में इसको, द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पोमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके शब्द से ही दोस्तों आपको पता चल रहा है, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी, एथनोबॉटनी।
एथनोबॉटनी। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दोस्तों दिया हुआ ये द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड फाइटोजियोग्राफी, फॉरेस्ट्री, एक्सोबायोलॉजी, एथनोबॉटनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फाइटोजियोग्राफी। तो जियोग्राफी ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्विकल्चर, पिसीकल्चर। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स इज कॉल्ड एलेरिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्विकल्चर, पिसीकल्चर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलेरिकल्चर। क्या हो जाएगा दोस्तों? एलेरिकल्चर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है वार्षिक वलयों यानी कि एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर। दोस्तों अब हम इसको देखते हैं इंग्लिश में। द स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स इज कॉल्ड डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी, ओलेरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर, सिल्विकल्चर। दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देखें। द स्टडी ऑफ रिलेटेड कल्टिवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल ट्रीज एंड शर्ब्स इज कॉल्ड एग्रोनॉमी, ओलेरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर, सिल्विकल्चर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्बोरिकल्चर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों इंग्लिश में देखते हैं द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, टेक्सोनॉमी, फिजिकल, फिजिक्स। दोस्तों अब यहाँ पर देखें तो आकारिकी, वर्गिकी, शारीरिकी, भौतिकी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिकी, ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है फफूंद, शब्दार्थ, कीटों से पादप। दोस्तों अब हम इसको देखते हैं इंग्लिश में। द स्टडी व्हाट इज स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ प्लांट साइंस माइकोलॉजी फंगस, सेमेंटिक्स फ्रॉम इंसेक्ट्स प्लांट्स। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फंगस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फफूंद, ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है पढ़ें क्वेश्चन को एग्रोफॉरेस्ट्री है वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में और देख लेते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश में लगाते हैं इसको एग्रोफॉरेस्ट्री इज प्लांटिंग ट्रीज फॉर फॉरेस्ट, प्लांटिंग फॉरेस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग, प्लांटिंग वुड इन पेरेनियल्स ट्रीज ऑन द सेम लैंड अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वृक्ष एवं वनस्पति की खेती, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, पादप जीवन का विज्ञान, बागवानी कला, फसल उगाने की कला। दोस्तों अब यहाँ पर दिया हो कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेशन, ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों इसको छोड़ते हैं अभी और देखते हैं। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर, एक्वा कल्चर। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं इसको इंग्लिश में। द ब्रांच ऑफ बॉटेनिकल साइंस रिलेटेड
टू सेपरेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग मैटर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर, एक्वाकल्चर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी टिश्यू कल्चर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर, ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं इसको इंग्लिश में। तो इंग्लिश में दिया हुआ है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, फ्लावर कल्टिवेशन, फ्लोरिकल्चर, क्रॉप कल्टिवेशन, एग्रोनॉमी, वेजिटेबल कल्टिवेशन, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट कल्टिवेशन, पोमोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी दोस्तों हो जाएगा, वेजिटेबल कल्टिवेशन दोस्तों, हॉर्टिकल्चर नहीं होता यहाँ पर, सब्जियों की खेती दोस्तों हॉर्टिकल्चर नहीं ओलेरिकल्चर होता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, अरस्तु ने, पुरकुंजे ने, वॉन मॉल, लेमार्क तथा ट्रेविनेंस ने। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश में, हु फर्स्ट यूज्ड द वर्ड बायोलॉजी, एरिस्टोटल, पुरकुंजे, वॉन मॉल, लेमार्क एंड ट्रेविनेंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, किसे जाना जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को यानी कि नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फादर ऑफ जूलॉजी इनको भी दोस्तों अरस्तु को ही कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। तो 20 क्वेश्चन दोस्तों आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और जिन भी साथियों को नोट्स चाहिए, वो नोट्स नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज कर नोट्स ले सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।